अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ फन वीडियो और मैं आप लोगों को दावत ये देता हूँ, आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ कि प्लीज़ वॉच दिस वीडियो विदाउट एनी बायस। इस वीडियो को बगैर किसी तासुब की निगाह से देखिएगा, बिकॉज व्हेन वी आर ऑन शिप्स तो मी एंड माई कोलीग्स वी आर नॉट पाकिस्तानी और इंडियंस और फिलिपिनोज, वी आर जस्ट कोलीग्स, वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। और हम लोग बहुत सारी ऐसी ज़बरदस्त और फन किस्म की बातें शेयर करते हैं कि जिनमें बड़ा मज़ा आता है। आज की वीडियो में बड़ा शेकी सा होकर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको कैसे लेंगे, वेदर यू आर गोइंग टू टेक इट पॉजिटिव और वेदर यू गोइंग टू टेक इट नेगेटिव। माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज़ प्लीज़ टेक इट पॉजिटिवली। आप लोगों के लिए शायद ये चीज़ थोड़ी सी अनइमेजिनेबल होती होगी कि हाउ फ्रैंक वी आर ऑन द शिप, बट वेन वी आर ऑन द शिप वी आर रियली वेरी वेरी फ्रैंक। द स्टोरी गोज बैक टू द ईयर 2005 जब पहली बार मैंने एक मल्टी नेशनल क्रू के साथ सेल करना शुरू किया। I had Indian colleagues, I had Pakistani colleagues and obviously I had Filipino, Romanian and Croatian colleagues. अब इनमें जब हम पाकिस्तानी और इंडियन कोलीग्स की बात करें तो एक आम तासुर यही है, इट इज़ कॉमनली अंडरस्टूड कि हम लोग शायद एक दूसरे की लैंग्वेज को बहुत आसानी से समझते हैं, एंड फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पजेज इट इज़ ट्रू एज़ वेल। क्योंकि अगर हम उर्दू की बात करें तो बेसिकली उर्दू का जो जन्म हुआ, उर्दू जहाँ पर पैदा हुई, वो पाकिस्तान नहीं था, दैट वॉज इंडिया। सो स्टिल देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु स्पीक उर्दू इन इंडिया एज़ वेल। और अगर हम इसे सीखे कि दूसरी जानब देखने की कोशिश करें तो ड्यू टू दिस सोशल मीडिया एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत सारे अल्फाज के अंदर उर्दू और हिंदी की तमीज़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक ब्रिटिश इंग्लिश एंड दी अमेरिकन इंग्लिश, जिस तरह लोग अक्सर स्केजुअल बोलते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि स्केजुअल ब्रिटिश इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको शेड्यूल कहा जाता है। एक कॉमन वर्ड की मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम लोग वार्डरोब्स को अब क्लोज़ेट कहना शुरू हो गए हैं, हम लोग टैप्स को फॉसेट कहना शुरू हो गए हैं। सो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ सिनेरियो जब हम उर्दू और हिंदी की बात करें। बट एट दैट टाइम इन द ईयर 2005 जब मैंने इस मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया था तो उर्दू और हिंदी के दरमियान में गैप थोड़ा सा ज़्यादा था। हिंदी मुझे आती तो उस वक्त भी थी क्योंकि मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ कि मैं जब छोटा था तो हिंदी मैंने तभी सीखी थी। हमारी हमसाई थी, शी वॉज बेसिकली फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान में उनकी शादी हुई थी तो मैंने उन आंटी से सीखी थी हिंदी। बट इवन डिस्पाइट दैट देर वर सम रियली 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 फनी इंसिडेंट्स। तो मैंने कहा मैं हर एक को बताता हूँ तो क्यों ना मैं आपको बताऊँ। अब एक वर्ड बहुत कॉमन हो चुका है, मैंने पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है, उसको इस्तेमाल करते हुए सुना है, उस वक्त ऐसा नहीं था। एंड द वर्ड इज़ खुद का। तुम्हारा खुद का ये है, तुम्हारा खुद का ये है, मेरा अपना खुद का है। This combination is all wrong if we talk of Urdu. तो मैं बड़ा confused होता था ये वर्ड सुन के, स्पेशली जब मैंने पहली बार सुना कि ये तुम्हारा खुद का है, तो मैंने कहा यार इसका क्या मतलब हुआ ये तुम्हारा खुद का है। खुद इज़ समथिंग एल्स, खुद इज़ रेफर टू एज पर्सनैलिटी, तुम्हारा का मतलब है तुम। सो हाउ इज़ माई खुद का पर्सनैलिटी रिलेटेड विद ऑल ऑफ दिस वर्ड। तो मैंने कहा कि सर मुझे ये लफ्ज़ नहीं समझ आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे कैप्टन साहब थे, कैप्टन अमित तोमर, तो उन्होंने कहा यार अभी मैं पूछ रहा हूँ ये तुम्हारा खुद का है, हमने तो इकबाल की खुद ही पढ़ी हुई थी और हम तो खुद को किसी और सेंस में इस्तेमाल करते थे, तो ये तुम्हारा खुद का, अपना खुद का, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने कहा सर मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने कहा आप इंग्लिश में बता देंगे। उसने कहा इज इट योर्स, मैंने कहा ओ यस इट इज़ माइन। उसके बाद हमारे एक और कैप्टन साहब थे, उन कैप्टन साहब को ये पता था कि यार मुझे हिंदी आती है, और उन कैप्टन साहब को उर्दू सीखने का बहुत शौक़ था। वो नज़में भी सुना करते थे, गज़लें भी सुना करते थे, मेहती हसन को भी सुना करते थे, नूरजहाँ को भी सुना करते थे, इंडियन सिंगर से काफ़ी जिन्होंने उर्दू गज़लें गाई हैं, जगजीत सिंह हो गए, चित्रा हो गई, इनकी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की गज़लें, तो इन सबको बड़े गौर से सुना करते थे और बाज़ औक़ात वो इनका मतलब मुझसे पूछा करते थे। तो एक दिन मैं शाम को ब्रिज पर आया, ही वॉज देयर ऑन द ब्रिज, और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, और जाहिद मियाँ आप ये सुनाइए कि आपका हुसन कैसा है। मैंने कहा सर क्या? कहते हैं भाई हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपका हुसन कैसा है। मैंने कहा सर मुझे कख नहीं समझ आई आपने क्या कहा है, आई एम नॉट हसीन इन एनी सेंस। कहते हैं यार हाउ इज योर वाइफ, मैंने कहा सर वाइफ को हुसन का थोड़ी कहते हैं। कहते हैं यार आजकल मैं उर्दू सीखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे तो यही समझ आई कि शायद हुसन का मतलब ये होता है कि आपकी वाइफ। मैंने कहा सर नहीं, हुसन का मतलब वाइफ नहीं होता, हुसन का मतलब होता है हाउ इज योर ब्यूटी। बड़ी देर तक मैं हुसन हंसता रहा, मैंने कहा यार मेरा हुसन कैसा है। एंड देन यू नो द मोस्ट फनी थिंग हैपेंड व्हेन वी वेंट टू साउथ इंडिया। प्लीज़ मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि आपने इस वीडियो को बायस की एन के उतार के देखना है, आपने इस वीडियो को तासुब की निगाह से नहीं देखना। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस, उनके तजर्बात भी थे मेरे साथ ऐसे जो कि बड़े कन्फ्यूजिंग किस्म के थे, वो मैं आपसे किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। सो व्हेन वी वेंट टू साउथ इंडिया तो मुझे ऑलरेडी ये इल्म था कि यार साउथ इंडियंस का एक्सेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट किस्म का एक्सेंट होता है, और साउथ इंडियंस का जो एक्सेंट होता है वो इतना डिफ़िकल्ट होता है कि समटाइम्स इट इज़ रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड। अब तो मुझे समझ आ जाती है लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि यार ये बंदा क्या कह रहा है। तो चेन्नई पोर्ट पे हम खड़े हुए थे, एंड आर चीफ ऑफिसर वॉज समयाल संदीप सिंह, वो सीसीआर से बाहर गए कार्गो कंट्रोल रूम से, और उन्होंने मुझे कहा कि यार अगर तुम्हें ये पोर्ट कंट्रोल वाला कहे कि मैनीफोल्ड खोल दो तो तुम मैनीफोल्ड खोल देना,
और कार्गो पंप्स ऑलरेडी मैंने वार्मिंग अप पे डाले हुए हैं, सो यू कैन स्टार्ट गेयरिंग देम अप. और वॉकी टॉकी मेरे पास है, आई एम लिसनिंग ऑन इट. यू कैन जस्ट कॉल मी ऑन वॉकी टॉकी और मुझे बता देना कि सर वो कार्गो स्टार्ट करने का कह रहे हैं, तो आई विल कम इन द CCR. तो मैंने चीफ साहब को बोला, मैंने कहा ठीक है, आई विल जस्ट डू दैट. नाउ आई स्टार्टेड चिट चैटिंग विद द अदर बॉयज हू वर देयर इन CCR और हम चाय वाय पीना शुरू हो गए. तो द टर्मिनल कॉल्ड ऑन दी वॉकी टॉकी. अब मैंने वॉकी टॉकी उठाई. अब आगे से टर्मिनल वाला जो है, ही सेड इन सच सॉर्ट ऑफ एक्सेंट, उसने कहा सिम्बा कैन यू ओपन द मैनिफोल्ड. नाउ इट सीम्स वेरी फनी कि मैं मतलब इसकी कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप इसको फ्रॉम जस्ट फ्रॉम द फन पार्ट आप देखिएगा. तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा मिस्टर लोडिंग मास्टर, मैंने कहा यू वॉन्ट मी टू डू समथिंग विद वॉट. कहते यॉपन द मैनिफोल्ड है. अब मैं एकदम बिल्कुल हैरान परेशान, मैंने कह रही क्या कह रहा है. He's asking me to do the something, but I really don't understand what that thing is. मैंने उसको दोबारा कॉल की, मैंने कहा मिस्टर लोडिंग मास्टर कैन यू प्लीज टेल मी अगेन वट यू वॉन्ट मी टू डू. ही सेड यापन मैन यापन द मैनिफोल्ड है. अभी इतनी देर में समियाल संदीप सिंह साहब जो है वो CCR के अंदर आए एंड ही वॉज लाफिंग हिज लंग्स आउट. बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फेफड़े फाड़ के हंसरे, बोलते हैं वे क्या बोल रहा है ये. मैंने कहा सर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही. ही सेइंग ओपन द मैनिफोल्ड है. मैंने कहा ये क्या है मुझे नहीं पता. कहते हैं भैया वो कह रहा है ओपन द मैनिफोल्ड. ओ होए जो शुगर लगा. कैप्टन साहब भी आ गए, वो भी अपना सेकंड ऑफिसर भी आ गया CCR में, चीफ ऑफिसर भी आ गया एंड दे वर लाफिंग देयर हार्ट आउट. अब वो हंसी जा रहे हैं ना दबा के. बाद में लोडिंग मास्टर आया. तो लोडिंग मास्टर आया, कहता है वो कौन था थर्ड अफसर जो मेरे साथ बात कर रहा था वॉकी टॉकी पे. तो मैंने कहा कि इट वाज मी सर. तो बोलता है कि व्हाट हैपेंड यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी. ऑफ कोर्स ही वाज नॉट टॉकिंग लाइक दिस. मुझे उस वक्त भी ठीक ठाक किस्म की एम्बैरेसमेंट का सामना हो रहा था बिकॉज व्हेन ही वाज टॉकिंग आई वाज नॉट गेटिंग इट. और समयाल संदीप सिंह साहब और अपीर अजीत सिंह साहब दे वर लाफिंग स्टैंडिंग बिहाइंड द लोडिंग मास्टर कि जी देखते हैं जाहिद आज करता क्या है. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई. और ऑन टॉप ऑफ इट उसके बाद मैं गया अपने कमरे में जाने के बाद मैंने सिम उस वक्त ली हुई थी हच की. उस वक्त हच होता था, बाद में मेरे ख्याल में शायद ऑरेंज हो गया था, वोडाफोन है समथिंग लाइक दैट. पर लेकिन उस वक्त वो कंपनी जो थी वो हच के पास थी, हचीसन के पास ही सोलो कंपनी. अब मेरे पास एक फ़ोन था सोनी एरिक्सन का. नाउ आई वॉन्टेड टू सेंड सम फोटोज़ बैक होम. उसका तरीका क्या होता है कि आप MMS करें. उस वक्त व्हाट्सएप तो था नहीं, तो मैंने कहा मैं अपनी MMS और GPRS सर्विसेज एक्टिव करवा लेता हूँ. नाउ आई कॉल द हेल्पलाइन. हेल्पलाइन वाले ने फ़ोन उठाया. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैंने उसको पूछा, मैंने कहा हाउ शुड आई एक्टिवेट माय MMS एंड GPRS. उसने कहा या ओके यू गो टू मैसेज है राइट यम यस सर एंड सेंड टू 706. और आपको पता है मैंने क्या किया, मैं मैसेजेस में गया हूँ, मैंने लिखा YUM 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 YES और मैंने भेज दिया. कोई जवाब नहीं आया. मैंने 15 मिनट वेट किया, मैंने फिर दोबारा हच की सेलुलर हेल्पलाइन को कॉल किया. मैंने कहा जी मैंने यम यम यस लिख के भेज दिया है, मेरी GPRS सर्विसेज तो एक्टिव नहीं हुई ना ही मेरी MMS सर्विसेज. तो उन्होंने कहा डिड यू सेंड दैट मैसेज. मैंने कहा हाँ जी आई सेंड दैट मैसेज. उसने कहा यू रोट यम यम यस. मैंने कहा हाँ जी आई रोट यम यम यस. उसने कहा ओके राइट अगेन एंड सेंड. मैंने फिर फ़ोन उठाया, मैंने फिर लिखा YUM YUM YES और मैंने फिर दोबारा भेज दिया. फिर दोबारा कोई जवाब नहीं आया. मैंने कहा यार एक ही हल है, चीफ ऑफिसर के पास चलते हैं और उससे जाके कहते हैं कि भाई आप इंडिया के हो, आप ही हेल्प करके दो हमें कैसे एक्टिवेट कराना है. अब मैं गया CCR में दोबारा. अब फिर रंजीत सिंह साहब उस वक्त फिर वहाँ पे बैठे हुए थे कैप्टन साहब. मैंने कहा सर एक्सक्यूज़ मी. बोलते हैं हाँ. मैंने कहा सर मैंने एक्टिवेट करवानी है हज की GPRS और MMS सर्विसेज. उसने कहा हाँ वो मैसेज में लिख के भेज दो, हो जाएगा एक्टिव. मैं सर मैंने लिख के भेजा है, एक्टिव नहीं हुआ. कहते नहीं यार यूजुअली फ़ौरन हो जाता है. मैंने कहा सर ये देखें. अब उन्होंने मेरा फ़ोन मुझसे लिया, उन्होंने मैसेज खोला और उन्होंने जैसे ही पढ़ा ना लिखा हुआ YUM 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 YES यार वो फिर दोबारा हंसना शुरू हो गए. और जो उसको शुगर लगा उन्होंने फिर सेकंड अफसर को बुला लिया, फिर उन्होंने कैप्टन साहब को बुला लिया, फिर चीफ इंजीनियर. अच्छे चीफ साहब पाकिस्तान के थे, मोहम्मद अहमद उनका नाम था. उन्होंने उनको भी बुला लिया. उन्होंने कहा देखिए जी ये थर्ड अफसर क्या हरकतें कर रहा है, सुबह उसने लोडिंग मास्टर के साथ ये किया है और अब इसने फ़ोन के ऊपर YUM YUM YES लिख के भेजा है और वो वापस आया. कहता है जी ये सर्विस एक्टिवेट नहीं है. यार उन्होंने जो मेरी क्लास ली ना सबने मिल के, उन्होंने कहा भाई सिर्फ बेवकूफ़ आदमी जस्ट राइट MMS एंड सेंड इट. और मैं इतना सर पकड़ के बैठ गया. मैंने कहा यार ये MMS लिखना था. मैंने कहा मैं तो इतनी देर से YUM YUM YES लिख लिख के पागल हो गया हूँ. MMS लिख के हमने भेजा और फिर हमारी इंटरनेट सर्विसेज एक्टिवेट हुई. जब मैं जहाज़ के ऊपर गया तो मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती थी. हमारा एक फिटर था, ही वॉज आई थिंक ही वॉज फ्रॉम बॉम्बे मुंबई.
अच्छा, उसको आप कोई भी काम बोलो ना तो वो आगे से यूं 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 करता था। नाउ आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। मैंने कहा, मैंने इसको बोला है कि जाके फायर हाइड्रेंट को आपने खोलना है, उसको रिपेयर करना है, वर्कशॉप में ले जाके बफ करना है, वापस लगाना है। ही सेइंग हाउ हाउ। मैंने कहा, यार इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यस है या इसका मतलब नो है? कहता, सर जी इसका ना तो मतलब यस है, ना तो इसका मतलब नो है, इसका मतलब है ओके मैं कर दूंगा, होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है। यार ये चीज़ समझने में मुझे अरसा दराज लग गया कि यार व्हाट इज़ मेंट बाय दिस एक्सप्रेशन। लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल भी था, बड़ा फनी भी था, लेकिन स्लोली स्लोली आई एम यूज्ड टू इट नाउ। नाउ आई नो के दिस मींस ओके। अच्छा जी, एक वर्ड होता है होगा, एक वर्ड होता है रहेगा। इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग विद मी इन द बिगिनिंग द वे हाउ माई इंडियन कोलीग्स यूज टू यूज़ इट। वाकई मैं आपको सुनाता हूँ, हमारे कैप्टन साहब जो थे, ही वॉज विनय सिंह एट दैट टाइम आई थिंक, या ही वॉज विनय सिंह। तो विनय सिंह साहब जो थे, उनके पास एक सीरीज थी बीबीसी की जिसका नाम था माइंड योर लैंग्वेज। अगर आप लोगों ने नहीं देखी, देखिएगा जरूर, बहुत पुरानी है लेकिन बड़ी मज़ेदार किस्म की सीरीज है। मुझे वो देखने का बड़ा शौक था। ब्रिज पे थे कैप्टन साहब, मैं कैप्टन साहब के पास गया, मैंने कहा, सर मैंने एक चीज़ चाहिए थी आपसे। बोलते हैं, हाँ हाँ बताओ क्या चाहिए। मैंने कहा, सर वो माइंड योर लैंग्वेज की मुझे सीरीज चाहिए थी, मैं देख के आपको वापस कर दूंगा। बोलते हैं, हाँ हाँ वो मेरे कंप्यूटर के पास रहेगी। मैंने कहा, सर ना लूँ। कहते, नहीं नहीं जाके ले लो। मैंने कहा, सर आप कह रहे हैं ना मेरे कंप्यूटर के पास रहेगी। कहते, हाँ हाँ मेरे कंप्यूटर के पास रहेगी। तो मैंने कहा, सर ना लूं। कहते, अबे ले ले जाके, मैं तुम्हें कह तो रहा हूं जाके ले लो। मैंने कहा, सर लेकिन आपने कहा ना कि मेरे कंप्यूटर के पास रहेगी। कहते, हाँ हाँ मेरे कंप्यूटर के पास रहेगी। मैंने कहा, सर फिर ना लूं जाके। कहते, अबे यार जस्ट गेट लॉस्ट, टेक इट अवे एंड गो टू योर रूम। मैंने कहा, अच्छा सर ठीक है मैं जाके ले लेता हूँ। तो कहते, तुम कन्फ्यूज क्यों हो रहे हो? मैंने कहा, सर आप बार बार कह रहे हैं ना रहेगी। तो कहते, रहेगी का क्या मतलब होता है? मैंने कहा, सर मैंने जो अभी तक उर्दू सीखी हुई है ना, उसमें होगा का मतलब होता है इट विल बी देयर, और रहेगा का मतलब होता है इट विल रिमेन देयर। रहेगा मीन्स डोंट टच इट, लेट इट रिमेन देयर, इसको वहीं छोड़ दो। और मैंने कहा, होगा का मतलब है ओके वहाँ होगा जाके ले लो। कैप्टन साहब वो सो अम्यूज्ड, कहते हैं, यार मुझे पहली बार ये फर्क पता लगा है। कहते हैं, मैं तो समझता था होगा और रहेगा एक ही चीज़ होती है। एंड ही सेड टू मी, यार यू ड्रो मी टू अ पॉइंट जहाँ मैं गुस्से हो गया था कि यार इस बंदे को समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात की, मैं इसको कहता रहा हूँ कि जाके ले लो। और मैंने कहा, ही इज़ नॉट गोइंग एंड ही इज़ नॉट टेकिंग इट। ये ज़्यादातर वाक़ बेसिकली मेरे पहले जहाज के हैं। लेटर ऑन आई गॉट यूज टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और फिर मुझे इतने मसले मसाइल नहीं होते थे। तो सुबह 8 बजे मैं ब्रिज पे आया, नाउ आई एम टेकिंग ओवर वॉच फ्रॉम द चीफ ऑफिसर। तो अब मैं आया ही हूँ ब्रिज पे, तो मुझे कहते हैं, यार आज दरिया बड़ा शांत है। अब शांत का वर्ड मुझे पता है, मुझे दरिया का वर्ड का मतलब भी पता है, बट नाउ आई एम कन्फ्यूज। मैंने कहा, सर हम दरिया में कब गए? कहते, अबे शुरू से दरिया में तो चल रहे हैं। अब मैं पानी को देख रहा हूँ, मैंने कहा, पानी इज़ ग्रीनिश ब्लू। मैंने कहा, यह है तो समंदर। मैंने कहा, चीफ साहब क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, सर हम दरिया में कब गए? कहते, अबे यार तू अजीब बेवकूफ़ किस्म का आदमी है, हम शुरू से दरिया में ही तो चल रहे हैं। मैंने कहा, सर लेकिन दरिया में तो ड्राफ्ट कम है, वहाँ पे तो हम नहीं जा सकते। कहते, तुम क्यों कन्फ्यूज़ हो रहे हो, क्या हो गया है? मैंने कहा, सर आप दरिया कह रहे हैं ना? कहते, हाँ। मैंने कहा, सर हम तो समंदर में हैं। यार वो इतना हंसा, बोलते, यार हम लोग मुंबई में इसको दरिया ही बोलते हैं। मैंने कहा, अच्छा सर आज मैंने लिख लिया है, आइंदा मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगा। नाउ आई नो दरिया एंड समंदर आर वन एंड द सेम थिंग। इट वॉज रियली फन मूवमेंट्स, स्पेशली जो शुरू शुरू के दिन थे ना यार, मुझे काफ़ी सारे वर्ड्स का एक्चुअल में जो इस्तेमाल था वो समझ में नहीं आता था। एनी वे, प्लीज़ एज आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू बिफोर ऑल्सो, आज की वीडियो में बड़ा शेकी सा होकर बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको कैसे लेंगे, वेदर यू आर गोइंग टू टेक इट पॉजिटिव और वेदर यू गोइंग टू टेक इट नेगेटिव। माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज़ प्लीज़ टेक इट पॉजिटिवली, बिकॉज वी आर यू नो वेरी गुड कॉलीग्स, और हम जब बैठते हैं मिलके और हम जिन लोगों की हमारी आपस में दोस्ती है, वी शेयर सो मेनी थिंग्स विद ईच अदर, वी आर वेरी ओपन विद ईच अदर। फिर हमारे दरमियान में वो बाउंड्रीज जो है ना कंट्रीज़ की और लैंग्वेजेस की, और वो बैरियर्स वो नहीं होते, और हम इतनी खुली बात कर रहे होते हैं कि फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज इट विल बी हार्डली इमेजिनेबल, बट इट्स मोस्टली फन टाइम ऑन शेयर। तो जनाब, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जो मैंने आपसे शेयर किए आपको अच्छे लगे हों, किसी भी तरीके से आपको मज़ा आया हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ये एक्सपीरियंस मैंने शेयर तो कर दिया है आपसे, बट आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द एंड रिजल्ट ऑफ टुडेज़ वीडियो। अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छी थी और मुझे इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपके साथ और शेयर करने चाहिए, तो प्लीज़ डू मैंशन दैट इन द कॉमेंट्स। I'll be very happy to oblige and I'll be very happy to respond to all of those comments. Apna dher sara khyal rakhiyega, duaon mein yaad rakhiyega, with tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family. This is me Zahid Nisar, aap log dekh rahe hain Orange Shorts, agli video tak. Allah Hafiz.